नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको टेस्टर के बारे में बताने वाला हूँ। एक्चुअली टेस्टर होता क्या सबको पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको बता देता हूँ। ये टेस्टर यूज होता है चेक करने के लिए कि कहीं करंट फ्लो तो नहीं हो रहा है। अगर आपको डाउट हो रहा है किसी भी डिवाइस पे अगर करंट आ रहा है और आप उसे छूने से डर रहे हैं, तो आप इसे टच करके चेक कर सकते हैं कि उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस इतना सा इसका पर्पस है। आओ आज हम इसमें और भी मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि टेस्टर के अंदर होता क्या क्या है, एक एक चीज़ खोल के दिखाना चाहता हूँ। और ये काम कैसे करता है टेस्टर, और ये इसमें एक बल्ब भी होता है, आपको पता होगा वो जलता कैसे है। जब भी हम किसी भी बॉडी पर लगाते इधर टच करते तभी वो बल्ब जलता है, क्यों जलता है, तो उसका भी आज हम आपको रीज़न बताने वाले हैं। तो आओ आज इसे हम खोलते हैं पहले और देखते हैं कि इस टेस्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब हमें इसे आपको खोल कर चेक करने वाला हूँ, चेक कराने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो पीछे देख सकते हैं एक स्क्रू है, इसको खोल देंगे तो जो चीज़ मैं निकालूँगा उसे वैसे ही रखूँगा। ये एक होल ये रखा मैंने, उसके बाद एक स्प्रिंग है, फिर एक बल्ब है और एक रेजिस्टेंस और ये खाली हो गया। ये रहा आपका टेस्ट है। तो इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें देखिए आप क्या फेस चेक करने को होता है। तो जब फेस यहाँ से आता है और आप यहाँ उंगली रखते हैं, ये एलईडी ये बल्ब इंडिकेटर है, ये ग्लो करता है तो आपको पता चल जाता है उसमें क्या कहते हैं करंट आ रहा है। लेकिन ये करंट जब पूरा यहाँ से होकर आता है तो ये हमें क्यों नहीं लगता, तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको समझिए कि एक बल्ब होल्डर है, इसमें एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, बल्ब लगा हुआ है, इसमें से दो तार निकली हुई हैं और इसे मैंने सॉकेट में डाल दिया था। एक सॉकेट है उसमें दोनों तारों को डाल दिया, स्विच ऑन किया, ये बल्ब ग्लो करने लगा। अब आप देखेंगे, अब मैं अगर एक भी तार उसको काट देता हूँ बीच में से तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसका तो ये सर्किट को पूरा होना बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से बल्ब जलता है। सेम यहाँ पे है कि आप फेज इधर है, न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे भी ये इंडिकेटर ग्लो कर जाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम है। अब एक चीज़ का जो अंतर है ये है कि अगर हम इसे बीच में काट के हाथ लगाएंगे तो इसमें हमें करंट लगेगा, बहुत जोर का झटका लगेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम जब सर्किट पूरा करते हैं तो उंगली लगाते हैं तो इसमें करंट नहीं हमें लगता, सिर्फ ये बल्ब ग्लो करता है और हमें पता चल जाता है कि उस डिवाइस में करंट आ रहा है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है ये है रजिस्टर, रेजिस्टेंस है ये। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टर करता क्या है। सबसे पहले तो ये रेजिस्टर को रेजिस्टेंस को हम एक तरह का रुकावट बोलते हैं, जो बहुत हद तक मेंस फेस जो आ रहा है जिसमें जो मैक्सिमम करंट है उसको बिल्कुल कम कर देता है, काफ़ी चीज़ों को रोक देता है। ये बिल्कुल ऐसे काम करता है कि जैसे भी कोई VIP एरिया में सिक्योरिटी गार्ड काम करता है, आपको अंदर नहीं घुसने देगा और उसी को घुसने देगा जिसके पास पास है। अगर सिक्योरिटी आप घुसने की इधर उधर से कोशिश कर दोगे तो भी नहीं घुस सकते, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड आपको घुसने देगा। ये उसी तरीके का गार्ड है जो कि सप्लाई को सारी सप्लाई को नहीं जाने देता आगे, सिर्फ उतना ही सप्लाई को जाने देगा जितना में ये आपका बल्ब ग्लो कर जाए, क्योंकि डायरेक्ट सप्लाई में तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये उतना फ्लो करता है, ये ग्लो करता है। लेकिन ये भी ग्लो कब करेगा, जब आपका सर्किट पूरा होगा। सर्किट कब पूरा होगा, जब आप इधर उंगली रखेंगे, जब करंट का पूरा फ्लो होगा। तो हमारी बॉडी से भी करंट फ्लो होता है, आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी से करंट फ्लो होता है, तो इसलिए सर्किट पूरा हो जाता है एक तरीके से, इसलिए ये ग्लो करता है। तो मेन जो रोल होता है वो इसी का होता है, रेजिस्टेंस का होता है। अगर ये ख़राब हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है तो करंट लगने के भी चांसेस इसमें आ जाते हैं। तो अब मैं आपको इसको असेंबल करके दिखाता हूँ, जैसे जो चीज़ निकाली थी वैसी वो चीज़ डालता हूँ। जैसे रेजिस्टेंस पहले था तो रेजिस्टेंस पहले डाल दिया मैंने, फिर ये बल्ब था, बल्ब भी डाल दिया मैंने, फिर ये स्प्रिंग थी, स्प्रिंग को भी डाल दिया,
और फिर इसके ऊपर से ये देखिए ये हमने से वो कर दिया। तो इसमें यही चीज़ें होती है बेसिकली, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपको मार्केट में 30-40 रुपए में बड़े आराम से मिल जाता है और इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की बड़े यूज़फुल और बड़ी नॉलेज वाली वीडियो डालने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।